जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता होती है। किसी को ज़्यादा भार उठाने में कष्ट होता है, तो कोई असाध्य रोग से ग्रसित होता है। कोई मन की बात नहीं बोल पाता है, या फिर किसी को स्मरण करने में कष्ट होता है। क्या आप जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे सब कुछ प्राप्त हो? मनुष्य निर्बलता को अपने जीवन का केंद्र मानकर जीता है, और इसी कारणवश उसके हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। पर निर्बलता जन्म से प्राप्त होती है या फिर संयोग से मिलती है। किंतु मनुष्य का मन उस निर्बलता को अपनी मर्यादा बना लेता है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कठिन श्रम करके उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, निरंतर प्रयास करता है निर्बलता को पराजित करने का, वो निर्बलता से पार पा जाता है। अर्थात निर्बलता भले ही भगवान देते हैं, लेकिन उसकी मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। सोचिएगा, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपके समझ में आई होगी। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे नेक्स्ट एपिसोड में मेरा साथ दीजिए।